संसद भवन उपरे अशोक स्तंभ और सारनाथ रे थिबा अशोक स्तंभ मध्यरे कोनोसी फरक नहीं। जदि सारनाथ रे थिबा प्रतीक को बड़ करा जिवो किंबा संसद भवन उपरे थिबा प्रतीक को छोटो कर दिया जिवो तेबे उभय मध्यरे कोनोसी अंतर रहिबो नहीं। सारनाथ रे अशोक स्तंभ 1.6 मीटर उच्च, संसद भवन रे लागिथिबा प्रतीक 6.5 मीटर उच्च, तेणु दुईटी प्रतीकर तुलना करिबा पूर्वरु लंबा उच्चता ओ कोणर प्रभाव को भल भाव देखिबा दरकार। खुद शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी निजे एभली मंतव्य रखी विरोधी को कड़ा जवाब देछंती। सरकार मोदी जी जहाँ भालो करी भाभी अमर देशर पई करूछंती ताकु आदर करो। प्रत्येक कथारे उल्टा सीधा कहिबा, गाली गलोच करिबा, एटा सम्मान सम्मत नाही। सी तार सिंह सिंहर भाया रुक देखुवा लोक सी जदि निजे निर्बलिया लोक आउ डरुआ लोक ताकू देखा जो सिंहटा दात देखी ए सिंहटा मुछ देखे तो बास्तव में सेपरी किछ नुहे। आलोचक आलोचक घोड़ा उपरे बसीगल लोक आलोचना करेंगे, घोड़ा को चले कि ना लोक आलोचना करेंगे। तेरे कौन थी विरोधी अभियोग क्या जवाब देते केन्द्रमंत्री? प्रकृत में नुआ संसद भवन छात उपर उन्मोचित होता अशोक स्तंभ में या सिंहगुड़िक अधिक हिंस्र भाव में प्रस्तुत करोधी आनी अभोग। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश अशोक स्तंभर एभली बड़ परिवर्तन आम जातीय प्रतीक प्रति अपमान बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एवं जवाहर सिरकर मध्य सिंहर उग्र रूप को विरोध करते। सुप्रीमकोर्ट आईनजीवी प्रशांत भूषण मोदी नवभारत में आम प्रतीकर सिंह एवं शांतिर स्वरूप को बदलाई तेणु विरोधी को यही प्रसंग में दृढ़ जवाब देछि बीजेपी। यदि आप संसद भवन के ऊपर अशोक पिलर के जो लायंस को अगर आप बनाएंगे और वहां पर लगाएंगे तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप उसका आइडेंटिकल कॉपी बनाते, उस कॉपी को लेकर के उसी के आधार पर बनाते? किसी ने कहा कि आप सत्यमेव जयते भी गायब हो गया है। लोग को ये लगता होगा कि छोटी सी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ये दर्शाता है कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी को इस देश के जो है आजादी की लड़ाई हो, देश अशोक जी ये देश के इतिहास के बारे में हो कोई मतलब नहीं है। ये हर चीज को इतना हल्का लेते हैं। मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ने देश को अपमानित किया है और अभी भी समय इसको सुधारने का। हाँ, जब आप एक 2D इमेज को 3D स्ट्रक्चर से उसकी तुलना करते हैं तो उसमें कुछ आपको आपकी नज़र में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया पे फोटोज़ वायरल हो रही है वो दरअसल ग्राउंड लेवल से ली गई फोटोज़ है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव किया गया है, परंतु अगर आप उसे आई लेवल से देखें तो वही का वही स्ट्रक्चर है, वही का वही एम्ब्लम है। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ लोगों ने हर विषय को राजनीति का विषय बना रखा है, चाहे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर राजनीति हो। ये वही कांग्रेस पार्टी थी जो 2012 में नए पार्लियामेंट सदन के लिए बात रख रही थी, आज उसका विरोध करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने रफाल की बात की थी, फिर रफाल जब आने लगे तब उस पर उन्होंने विरोध किया, उस पर राजनीति की। ये वही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का इकोसिस्टम है जिन्होंने कोविड को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर भी राजनीति की। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल एम्ब्लम में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, परंतु हाँ कुछ लोगों को नज़रिया बदलने की सख्त आवश्यकता है क्योंकि दोष उनके नज़र में है ना कि नेशनल एम्ब्लम में। इतिहासकार माने एभली अभियोग को खंडन करिछंती। संसद भवन उपरे नूतन भाव में उन्मोचित अशोक स्तंभ सारनाथ में थिबा अशोकों मूल निर्माण अबिकल प्रतिच्छबि बोली कहिछंती। उसमें हमें लगता है कि उसकी साइज इतनी बड़ी है कि जिसमें अगर व्यक्ति खड़ा हो और फोटोग्राफिक कैमरे से अगर हम फोटो करें तो एरियल या जो हमें लीनियर व्यू होना चाहिए वो उस तरीके से अगर हम देखें तो वो इतनी बड़ी है कि उसमें आपको लगता है कि कुछ डिस्टॉर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम दूर से उसको हम देखेंगे तो जो हमारी जो ओरिजिनल जो मूल जो सिंह सिर्स है उससे अंतर नहीं होगा। बाबापंथी और लिबराल मानन को पसंद हेउ बा न हेउ सिंहर लंबा तीक्ष्ण दांत रहिब, एहा सिंहर भी अछि, सारनाथ रे अशोकंक निर्मित छवि रे भी अछि। दिल्ली रु गगन विश्वाल, अर्गस न्यूज।